उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं नई वीडियो के साथ। आज हम आपको एक वॉल ड्रॉप है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इसको स्लाइडिंग डोर चढ़ाने का तरीका बताएंगे। इस पर स्लाइडिंग डोर कैसे लगते हैं और उसकी मेजरमेंट क्या होती है और इसको लगाने के कैसे तरीके होते हैं, यह हम आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास चैनल्स बड़े हुए हैं दो, ये चैनल नीचे वाला और ये चैनल ऊपर वाला। मैंने पहले ही कट करके इसलिए रख दी कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, शॉर्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ। और इसके साथ ये आप दो व्हील्स देख सकते हैं, ये इसका नीचे वाला व्हील्स होता है और ये इसका ऊपर वाला व्हील होता है। और इसके साथ साथ ये तीसरी चीज़ है, इसके पंप होते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे नहीं भी लगाते। ये सॉफ्ट क्लोज के लिए इस्तेमाल होते हैं और मैं आपको ये भी लगा के दिखाऊँगा, इसकी सेटिंग भी दिखाऊँगा किस तरह सेटिंग करते हैं। इस पंप को इस तरह पकड़ना है आपने, ये ब्रीक वाली साइड आगे की तरफ और मोटी वाली साइड पीछे की तरफ। इसको ऐसे रख के, इसको इस तरह रख के ये इसके अंदर चली जाएगी, सेटिंग बैठी हुई है पहले, इस तरह अंदर रख के। इसी तरह इसके अंदर हम दोनों लगा देते हैं, सेम वही चीज़। इतने मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका सा इसका। इसको लगाने के बाद आपने सुराख करने हैं, मैंने सुराख पहले कर दिए हैं। नीचे वाली पट्टी में आप तीन सुराख कर लें क्योंकि मेरी अलमारी जो है वो 4 फुट की इतनी लंबी नहीं है। और ऊपर वाले जो पल्ला लगना है, ये ऊपर वाला जो चैनल लगना है, इसमें आप जो है दरमियान में भी 3-4 सुराख कर लें। दरमियान वाली पट्टी में सुराख करने हैं, साइडों वालों में नहीं सुराख करने, क्योंकि हमने इसके अंदर हाइड्रॉलिक पंप लगाना है तो इसलिए ये साइडों पर सुराख नहीं करने, इसके आपने दरमियान वाली पट्टी में सुराख करने। सुराख के बाद हम अब इसको अलमारी के ऊपर लगाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये नीचे वाला चैनल, ये नीचे वाला पीस रख के जितना आपके दरवाजे की थिकनेस है, पौनी है, पौनी से ज्यादा है, वो आपने एक पीस ले लेना है, क्योंकि वो पीस आपने इधर रख के इसको नीचे वाले को आपने उतना अंदर करके लगाना है। ये देखें, इस तरह आपने इसको इस तरह पौनी अंदर रख के लगा लेना है। इसको लगाने के बाद हम ऊपर वाला लगाते हैं। ऊपर वाले को जो है आपने वो बिल्कुल लेवल में लगाना है ऊपर से, इसको अंदर करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल लेवल में लगा रहे इस तरह। इसको जो पंप होते हैं, वो जो आगे वाला डोर है ना, इसके पंप आपने बिल्कुल इस तरह साइड पे फिनिश करने हैं, सही है। इसको लगा दें, उस साइड वाले को भी लगा दें। और पीछे वाले को भी एक तरफ हम बराबर लगा देंगे और दूसरी तरफ दरवाजा लगा के जितना आपने दरवाजा ओपन करना है उसकी सेटिंग के हिसाब से इसको पीछे एडजस्ट करके फिर आपने इसका स्क्रू लगाना है। अभी हम दरवाजे के ऊपर इसके टायर लगाते हैं। ये नीचे वाला जो टायर है, ये आपने साइड से 1.5 इंच बस रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। साइड से 1.5 इंच जगह छोड़ के आपने इसका टायर लगा देना है, टायर लगा देना है। तरफ चलते हैं, ऊपर वाली तरफ हम ऊपर हाइड्रॉलिक पंप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पंप हाइड्रॉलिक पंप यूज़ करने के लिए हमें, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 12 सेंटीमीटर इसका साइड से ये खाली जगह चाहिए, साइड से लगाना है 12 सेंटीमीटर खाली छोड़ के फिर इसको लगाना है। और अगर आप पंप नहीं यूज़ कर रहे फिर आप इसको भी आप जो है 1.5 इंच के ऊपर रख के लगा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, हर चैनल का अपना अपना हिसाब होता है। ज़्यादातर 99% आपको यही मिलेगा, अगर कोई आप मुतले मिले तो फिर आप जो है पंप का इस तरह साइज ले लें, साइज लेके जहाँ पर बंद हो रहा है फिर आप उतना इसको लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इसका साइज 12 सेंटीमीटर है, हमने यही लगाना है और यही मिलते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, ये हम इसको लगाते हैं। अभी हमारा ये पल्ला हो गया रेडी,
बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है और ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है दरवाजा। ये इसका डोर है और हम आपको इसका लगाने का तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले आपने पीछे वाला डोर लगाना है, पीछे वाला लगेगा फिर आगे वाला लगाना। अगर आप आगे वाला लगाए तो पीछे वाला नहीं लगेगा इसका डोर। चलिए पहले पीछे वाला हम डोर लगाते हैं, आपको लगा के बताते हैं। इस तरह ऊपर देखे पीछे वाले चैनल में आपने इस तरह इसके व्हील लगाने हैं। व्हील लगाने के बाद नीचे बैठ जाना है और अपने हाथ से इस व्हील को ऊपर की तरफ प्रेस करना है, पुश करना है। अगर आपका ये पुश ना हो रहा हो, ये ऊपर इसका सेटिंग है, ये ऊपर इसकी नट लगे हुए हैं। इस नट को ओपन करें आप पहले, अब हम थोड़े से ओपन करते हैं। नट ओपन करने के बाद इसको ऐसे हाथ से पुश करें और इस तरह पीछे वाली तरफ लगा दें इसको। जब ये पीछे वाली तरफ बैठ जाए तो वापस से वो नट जो है आपने वापस करना है। भाई इसको लगाने के बाद आप देखिए हमारा ये डोर रेडी हो गया है। देखिए आप सॉफ्ट क्लोज हो रहा है उसकी तरफ। छोटी छोटी चीज़ें आपको दूसरे काम से अलग कर देते हैं, आपका काम खूबसूरत नज़र आता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें ही बताते हैं, जैसा कि हमने इसके अंदर एक पेंट हैंगिंग के लिए एक ड्रा दिया हुआ है। ऊपर वाले डब्बे के अंदर आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं, आप ज्वेलरीज वगैरह हर चीज़ अलग अलग खाने में रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरे के कामों से मुतलिफ कर देती हैं। अलमारी बन के हमारी रेडी हो गई है, दरवाजे हमने लगा दिए हैं, आपने देखा भी होगा ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी आपका मेन पॉइंट होगा कि इसकी हम मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं। इसकी मेजरमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, आपने अलमारी का अंदर से साइज लेना है, जो भी आपका साइज निकले उसमें से आपने 4.1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, ये आपका दरवाज़ा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर आपका ये बल्ला बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।